हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे फ्राइड आलू मटर और गोभी की सब्जी। 250 ग्राम टमाटर हैं, साफ पानी से धो के काट के बारीक पीस लेंगे। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च, 100 ग्राम फ्रेश मटर के दाने। मटर के दानों को 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। फूल गोभी के डंठल को चाकू की हेल्प से काट के निकाल देंगे। डंठल को फेंक देंगे, ये वाले डंठल भी निकाल देंगे। डंठल निकालने के बाद वजन में 440 ग्राम फूल गोभी है, फूल गोभी को काट लेंगे। इस तरह से चाकू की हेल्प से एक एक फूल निकालेंगे। फूल को चेक करेंगे, इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, और काट लेंगे। गोभी को काटने के बाद 2-3 बार साफ पानी से धो के स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे। गोभी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। 300 ग्राम कच्चे आलू, आलूओं को साफ पानी से धो लेंगे, छील लेंगे और अपने हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप आलूओं को सब्जी बनाने से थोड़ा टाइम पहले काट के रख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, आलू काटने और छीलने के बाद काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए आलूओं को पानी में डीप करके रखें। आलूओं को डीप करने के लिए पानी रूम टेम्परेचर पे लें और आलूओं को फ्राई करने से पहले पानी में से निकाल के इनके ऊपर लगे पानी को सूती कपड़े से साफ कर लें। अगर आप गीले आलूओं को गर्म तेल में डालेंगे, गर्म तेल के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गरम कर लेंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल मीडियम गरम है, गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, मीडियम पे की हुई है। इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। फ्राई कर लेंगे आलूओं को थोड़ी देर के लिए, पलटते पलटते रहेंगे। गैस फ्लेम फुल है, आलू मैंने फुल फ्लेम पे फ्राई किए हैं। आलू फ्राई हो गए हैं, आलूओं का कलर चेंज हो गया है, चेक कर लेंगे। आलू आधे पक गए हैं, निकाल लेंगे तेल में से। इसी तेल में गोभी फ्राई करेंगे। गोभी डालते समय कढ़ाई से थोड़ा दूर रहेंगे, गरम तेल के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। गोभी को भी फ्राई कर लेंगे, बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे। गोभी फ्राई हो गई है, निकाल लेंगे तेल में से। कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल कम कर लेंगे। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, जीरे को चटकने देंगे। पिसे हुए टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिस जार में टमाटर पीसे थे उसी जार में पानी डाल लेंगे। जार में पानी घुमा के डाल देंगे। कटा हुआ अदरक डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, 1 छोटी चम्मच पिसा धनिया, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम सब्जी मसाला। चला देंगे। मटर के दाने डालेंगे, मटर के दाने भी मसाले के साथ भून जाएंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला साइडों से तेल ना छोड़ दे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है और मसाले में जो पानी डाला था वो भी सूख गया है। फ्राई
फ्राई किए हुए आलू और गोभी डाल देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे मसाले में गोभी को। थोड़ा सा पानी डालेंगे। चला देंगे हल्के हाथ से। कढ़ाई को ढक देंगे। सब्जी को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं सब्जी को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्च को मैंने बीच में से चीर लिया है। सब्जी को चला देंगे। हल्के हाथ से चलाएंगे। इस तरह से पलट देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे। थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। सब्जी को 5 मिनट के लिए और पकाया है। कढ़ाई को ढक दिया था। सब्जी बन गई है। सब्जी में जो पानी डाला था वो सूख गया है। सब्जी ने तेल छोड़ दिया है। गोभी चेक करेंगे। गोभी सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। आलू चेक करेंगे। आलू भी अच्छे से पक गए हैं। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। आलू गोभी और मटर की सब्जी बन गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।